अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आज मैंने आपको जो कसर सबक पढ़ाई उसके मुतालिक मैं कुछ सवालात करती हूँ, आप उसके जवाब देंगे। जी प्लीज। हाँ बेटा, ये कौन सी शक्ल है? मुकम्मल। मुरब्बा है, दायरा है कि मुस्ततील है? मुरब्बा। वेरी गुड, ये मुरब्बा है, मुकम्मल शक्ल है, एक है ना। अब हमने उसके यहाँ कितने हिस्से किए? दो। तो एक हिस्सा क्या कहलाता? आधा। आधे को कसर में कैसा लिखते हैं? एक बटे दो। वेरी गुड, है ना। ये एक बटे दो है, ये एक बटे दो है, यानी हमने एक चीज के दो हिस्से किए। अब ऐसी ये एक शक्ल को हमने इस तरीके से कट किए, कितने हिस्से किए इसके भी? दो। तो एक हिस्सा क्या कहलाएगा? आधा। वेरी गुड, आधा और आधा मिलकर एक बनता है ना। अब हमने एक चीज के कितने हिस्से किए? तीन। तो तीन कहाँ लिखेंगे? नीचे। और एक चीज के तीन हिस्से किए ना, तो एक ऊपर आता और तीन नीचे आता। ऊपर वाले अदद को शुमार कुनिंदा, नीचे वाले अदद को नसब नुमा कहते हैं। अब ऐसे ही एक चीज के हमने कितने हिस्से किए बेटा यहाँ पर? हाँ, एक चीज के चार हिस्से, तो हमने नीचे लिखे एक बट्टे चार। तो एक हिस्सा क्या कहलाता? पाव। एक हिस्सा पाव कहलाता। अब हमने यहाँ एक चीज के भी कितने हिस्से किए? चार, है ना। तो एक हिस्सा क्या कहलाएगा? पाव। पाव को कैसा लिखते हैं? एक बटे चार। शाबाश, देखो यहाँ भी हमने इस तरीके से कट किए उसको, एक चीज के चार हिस्से किए, है ना। एक हिस्सा क्या कहलाएगा? पाव। अब इधर आओ बेटा, अब ये देखो दायरा है ना, ये दायरा है ना, पूरी गोल एक शक्ल है। अब हमने उसके कितने हिस्से किए? दो। तो एक हिस्सा क्या कहलाता? आधा। आधे को कसर में कैसा लिखेंगे? एक बटे दो। वेरी गुड। अब हमने यहाँ एक चीज के कितने हिस्से किए? तीन। एक हिस्सा क्या कहलाएगा? एक बट्टे तीन, तीन तीन किए ना, तो तीन नसब नुमा रूप शुमार कुनिंदा में एक। अब यहाँ देखो एक चीज के कितने हिस्से किए? चार। तो एक हिस्सा क्या कहलाता? पाव। कसर में कैसा लिखेंगे? एक बटे चार। वेरी गुड। अब ये कौन सी शक्ल है? मुसल्लस। पूरी एक है, इसके कितने हिस्से किए बेटा हमने? दो। एक हिस्सा क्या कहलाता? आधा। आधे को कसर में कैसे लिखेंगे? एक बटे दो। शाबाश। अब वैसे उसके तीन हिस्से किए और इसके चार हिस्से किए। तो जब हमने एक चीज के चार बराबर बराबर हिस्से किए, तो एक हिस्सा क्या कहलाता? पाव। उसका सर में कैसा लिखते? एक बटे चार। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।